संसद साजिश को 48 घंटे बीत चुके हैं। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, 2 हिरासत में हैं, जिनसे की पूछताछ चल रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। इस सवाल का जवाब फिलहाल पुलिस भी तलाश रही है। पुलिस हर उस सुराग का पीछा कर रही है जो इस साजिश की जड़ और जाल तक पहुंचा सके। क्या असल साजिशकर्ता ललित झा ही है, या फिर सामने दिख रहा हर चेहरा सिर्फ एक मोहरा है और असल किरदार पर्दे के पीछे से पूरा खेल कंट्रोल कर रहा है। आज TV9 पर हम कई ऐसे खुलासे करने वाले हैं जो इस साजिश की गहरी जड़ों को उखाड़ देंगे, पर्दे के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब कर देंगे। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस के FIR से एक बड़ा खुलासा हुआ है। सागर ने जूते में कैविटी बनाकर रखी थी स्मोक स्टिक। किसी को शक ना हो इसलिए जूते में एक्स्ट्रा रबड़ भी लगाई गई थी। ये देखिए, यही है सागर शर्मा का जूता जिसमें उसने कैविटी बनाया था, एक होल बनाया था और उसके बाद उसमें स्मोक स्टिक रखी गई थी। सागर ने खाकी रंग के मोजे पहने गए थे। सुरक्षा जांच को चकमा देने के लिए पहनी थी खाकी रंग की सॉक्स। तो ये सागर शर्मा का जूता, और इसे जो सुरक्षा कर्मी थे वो पकड़ नहीं पाए क्योंकि इसमें कैविटी बनाया गया था, एक होल क्रिएट किया गया था इस जूते में, और इसी में स्मोक स्टिक छिपा करके रखा गया था और स्मोक क्रैकर से हमला किया गया था संसद के भीतर। अब जाकर के जब सागर पकड़ा गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पूरे मामले का खुलासा हो रहा है। कार गैराज नेटवर्क, ग्रेट क्लेम कवर, ग्रेट प्राइस, वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तो दिल्ली पुलिस की FIR आरोपी सागर पर 4 बड़े खुलासे हुए, जल्दी से आपको बता देते हैं। खुलासा नंबर 1 पर गौर करिएगा। सबसे पहले लेफ्ट जूते में कैविटी बना करके स्मोक स्टिक रखी थी सागर ने। ये जूता भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पूरी साजिश थी, सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया गया। खुलासा नंबर 2 है, जूते में एक्स्ट्रा रबड़ लगाई गई थी ताकि किसी को शक ना हो सके, किसी को डाउट ना हो सके। खुलासा नंबर 3, सुरक्षा जांच से बचने के लिए खाकी रंग के सॉक्स पहने गए थे। पुलिस वाले भी यूनिफॉर्म के साथ खाकी रंग के ही सॉक्स पहनते हैं। खुलासा नंबर 4 है, जूते की जांच नहीं होती है, रेकी से पता चला। तो देखिए, ये पता चला कि जूते की जांच नहीं हो सकती थी, इसीलिए सुनियोजित तरीके से पहले तो रेकी की गई थी संसद भवन की, और उसके बाद प्री प्लान तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, कई अहम खुलासे हुए हैं जिसमें इन सबको ये पता था कि अगर जूते के अंदर कैविटी बना करके अगर स्मोक स्टिक लेकर जाते हैं तो ये सुरक्षाकर्मी नहीं पकड़ पाएंगे। रेकी भी की गई थी, सुनियोजित तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। अभी तक कौन कौन से बड़े खुलासे हुए? जी बिल्कुल, देखिए महेश से लगातार पूछताछ की जा रही है, ललित झा से लगातार पूछताछ की जा रही है, और साथ ही पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार संसद भवन के अंदर घुसने की जो पूरी साजिश थी कब तैयार हुई। दरअसल जब तक के सबूत पुलिस के हाथ लगे उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ हो गया है कि साजिश कोई नई है। पिछले 6 महीने से लोग लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। बजट सेशन के दौरान बाकायदा रेकी की गई, जानने की कोशिश की आखिरकार किस रास्ते से, किस तरीके से ये लोग संसद भवन के अंदर तक घुस सकते हैं। साथ ही पास बनवाया गया एक MP के नाम से। इसके अलावा जूते में कैविटी तैयार की गई, ये जो कैविटी थी जूते के अंदर बाकायदा लखनऊ में तैयार करवाई गई, और उसके अंदर जो कैविटी तैयार की गई वो ठीक उसी माप की कराई गई जितना कि वो स्मोक कलर होता है। उसके अलावा खाकी रंग के मोजे पहने गए। उसके पीछे मंशा ये थी कि अगर अंदर जाते हुए सपोज अगर इनको कोई अधिकारी पकड़ता है, हालांकि उन्हें पहले से जानकारी थी कि जूतों की अच्छे से चेकिंग नहीं होती है, लेकिन अगर कोई चेकिंग करता है तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगे अधिकारी को कि जैसे पुलिसकर्मी है तो हो सकता है उसको छोड़ दे। तो अपनी तरफ से पूरी फूल प्रूफ तैयारी की गई थी और उसके बाद ही इस पूरी साजिश को एग्जीक्यूट किया गया। तो फिलहाल पुलिस तमाम एंगल पर तफ्तीश कर रही है, महेश से लगातार पूछताछ की जा रही है, कैलाश से पूछताछ हो रही है, ललित झा से देर रात तक पूछताछ की गई, और पता लगा है कि आखिरकार क्या इसमें जो मेन फेस है, जो मेन साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है, वो ललित ही है या फिर उसके ऊपर। ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। एक और बड़ी अपडेट है, आरोपी ललित को सफदरजंग अस्पताल लेकर के पुलिस पहुंची है और पेशी से पहले आरोपी ललित का मेडिकल चेकअप होगा। हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीर भी दिखाई थी सफदरजंग अस्पताल के भीतर से, जहां पर ललित को ले जाया गया है और वहां सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा कि वो पूरी तरीके से फिट है या नहीं, और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी होगी। ये देखिए उसी दौरान की तस्वीर है, आप देख सकते हैं ललित को जो स्पेशल सेल की टीम है वो मीडिया से बचाते हुए ले जाती हुई, और उसके बाद मेडिकल चेकअप के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया सफदरजंग अस्पताल में ललित को,
और उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। कल ललित झा ने सरेंडर किया था और ललित झा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। संसद सेंध के लिए ललित ने बनाए थे दो प्लान, सोर्सेस के हवाले से जानकारी है। एक प्लान फेल होने पर दूसरा प्लान तैयार था। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से कि संसद में सेंध मामले में संसद पर हमले को लेकर के इन सभी ने मिलकर के कुल दो प्लान बनाए थे कि अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे प्लान के तहत हमला किया जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे स्मोक क्रैकर संसद के भीतर सागर लेकर जाता है और उसके बाद वहां पर वो हमला होता है, स्मोक क्रैकर से हमला किया जाता है जिससे पीली गैस वहां पर देखने को मिलती है और संसद की सुरक्षा में सीधे सीधे सेंध का ये बेहद संगीन मामला। तो सूत्रों के मुताबिक ललित को हर हाल में अपनी बात पहुंचानी थी जिसके लिए 13 दिसंबर के लिए दो प्लान बनाए गए थे, प्लान ए और प्लान बी। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको अच्छे ढंग से हम बता रहे हैं कि क्या था प्लान। प्लान ए के तहत संसद के अंदर मनोरंजन डी और सागर शर्मा को जाना था क्योंकि दोनों के पास एंट्री पास थी और एंट्री पास रहेगी तभी वो संसद के भीतर दाखिल हो सकते हैं। अमोल और नीलम को कहा गया था कि वो ट्रांसपोर्ट भवन के पास से संसद के करीब जाएंगे और वहां कलर बम जलाएंगे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि प्लान ए फेल होने पर प्लान बी को अंजाम दिया जाएगा। मसलन अगर किसी वजह से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह पर महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे कलर बॉम्ब जलाते और नारेबाजी करते। ये दोनों प्लान थे इन सभी के। 12 दिसंबर की रात ही जब महेश और कैलाश गुरुग्राम में विक्की के घर नहीं पहुंचे तो अमोल और नीलम को हर हाल में इस काम का जिम्मा सौंपा गया था, ये काम करने का जिम्मेदारी दी गई थी और इसके बाद ललित ने छिपने का प्लान बनाया था। तो देखिए प्री प्लान में छह महीने से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी प्लान ए और प्लान बी की। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, इससे तो यही पता चलता है कि हर हाल में संसद की बरसी वाले दिन इन सभी को हमला करना ही था क्योंकि एक नहीं बल्कि इनके पास तो दो दो प्लान तैयार थे। जितेंद्र आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है जितेंद्र एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे। जी जितेंद्र, सवाल मेरा ये है कि ये जो जानकारी हम इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहे हैं दो प्लान का खुलासा हुआ है, इससे तो यही समझ में आता है कि हर हाल में ललित झा और उसकी टीम को संसद की बरसी वाले दिन इस पूरी घटना को अंजाम देना ही था क्योंकि इनके पास एक नहीं बल्कि दो दो प्लान तैयार थे। जी बिल्कुल, देखिए वारदात से ठीक 3 दिन पहले तक ये लोग लगातार आपस में मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे और ये बात पुख्ता कर ली गई थी कि संसद के अंदर हर हाल में स्मोक कलर अटैक को अंजाम देना ही है और उसी के हिसाब से इन्होंने प्लानिंग भी की। दो प्लान तैयार किए गए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत सागर और मनोरंजन को अंदर जाना था और इसके अलावा नीलम और उसके दूसरे चौथे साथी को बाहर रहना था। इसके अलावा कैलाश और महेश को भी तैयार किया गया था कि अगर नीलम और उसका साथी किसी तरीके से बाहर पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं तो उसके बाद इस प्लान को कि जो प्लान बी है उसके तहत फिर इन दोनों का एग्जीक्यूट करना था पूरे आगे साजिश को। तो इस तरीके का प्लानिंग की गई थी। इसके अलावा तय यह भी कर लिया गया था कि जो ललित है वो वीडियोग्राफी करेगा और सभी के मोबाइल फोन ललित के पास मौजूद होंगे और उसके बाद ललित मौका पाकर वहां से फरार भी हो जाएगा। साथ ही फोन को डिस्पोज ऑफ करने का भी प्लान पता लगाया अभी के वो भी पहले से तय हो चुका था और जैसा कि इन्होंने भी किया भी है चारों आरोपियों के और ललित ने खुद का फोन डिस्पोज ऑफ कर दिया है यानी कि उसको जलाकर राख कर दिया है। तो फिलहाल पुलिस उसके अवशेष भी तलाश रही है। जितेंद्र, अभी तक तो 6 लोगों के नाम ही सामने आए हैं इस पूरे घटना को लेकर के, आगे और भी नाम जुड़ सकते हैं क्योंकि अभी लगातार जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कौन कौन मददगार हैं ललित झा के। शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। संसद साजिश में ललित के अलावा महेश की भी भूमिका अहम है। महेश की कई बार आरोपी नीलम से बातचीत हुई है। भगत सिंह फैन क्लब पेज से ये कॉन्टैक्ट में आए थे। महेश और ललित झा ने साथ में सरेंडर किया है। महेश और ललित ने मिलकर साथ में सरेंडर किया था क्योंकि अब पता चल गया था इन लोगों को कि चाहे कुछ भी कर ले बच नहीं पाएंगे क्योंकि अलग अलग जांच टीमें इन लोगों की तलाश में अलग अलग राज्यों तक पहुंच गई थी।